कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी की और वादा खिलाफी की है। हर आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देने की बात घोषणा पत्र में कही थी। हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति नौकरी की बात भी कही थी। किसानों को 5 हॉर्स पावर पंप मुफ्त बिजली, 2100 रुपए धान को दाम और 300 रुपए 5 साल तक धान की बोनस, इस तरीके के वादे करने के बाद रमन सिंह सरकार ने धोखाधड़ी की और मोदी सरकार ने कहा था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगी। हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 6 साल में 12 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, कहा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ से वादा खिलाफी और धोखाधड़ी की। हर आदिवासी परिवार को जर्सी गाय 10 लीटर दूध देने वाली बात कही थी घोषणा पत्र में। हर आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी की बात कही थी। किसानों को 5 हॉर्स पावर पंप की मुफ्त बिजली, 2100 रुपए धान का दाम, 300 रुपए 5 साल तक बोनस, इस तरीके के वादे करने के बाद रमन सिंह ने धोखाधड़ी की और मोदी सरकार कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर मिलेंगे, 6 साल में 12 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलनी थी, नहीं मिली। कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, यह भी कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे, रुपए की कीमत बढ़ाएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, कुछ भी तो नहीं किया। महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने की बात की थी और भाजपा के सांसद और विधायकों पर जिस तरीके से अनाचार के मामले दर्ज हुए हैं वह भी पूरा देश जान रहा है। यू टर्न मारना, धोखाधड़ी देना, ये भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का और रमन सिंह का चरित्र है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की 7 दिन में नहीं, 7 घंटे में नहीं, 1 घंटे के अंदर की। इसी तरीके से किसानों के धान का दाम 2500 रुपए दिया, तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को 4000 रुपए दिया, छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री चालू की। कांग्रेस की सरकार जो कहती है वो करती है। यू टर्न मारना और धोखाधड़ी करना तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए आगे कहा कि यू टर्न मारना, धोखाधड़ी करना, ये भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी और रमन सिंह का चरित्र है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की 7 दिनों में नहीं, 7 घंटे में नहीं, 1 घंटे के अंदर कर्ज माफी की। इसी तरीके से किसानों के धान के दाम 2500 रुपए दिए, तेंदू पत्ता तोड़ने वाले को भी 4000 रुपए दिए, छोटे प्लांटों की रजिस्ट्री चालू की। कांग्रेस सरकार जो कहती है वह हमेशा करती है। धोखाधड़ी करना तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज़।